डोंट बॉदर, ओपिनियन डजंट मैटर, वॉट मैटर्स इज योर कन्विक्शन. फॉलो दैट कन्विक्शन, फॉलो दैट पैशन एंड अचीव योर ड्रीम्स. नमस्कार. जब भी आप कोई बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं, चाहे फिर वो आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, खुद का एक म्यूजिक बनाना चाहते हैं, सॉन्ग बनाना चाहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिर चाहे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, खुद का एक शॉप शुरू करना चाहते हैं, खुद के आइडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो एक बात तो तय है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके आसपास के सारे लोग आपको नेगेटिव बोलने की कोशिश करेंगे, आपके ड्रीम्स के ऊपर हंसने लगेंगे, आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, आपको जज करने लगेंगे. इतना ही नहीं, आपके खुद के पेरेंट्स भी आपके ऊपर हंसने लगेंगे, आपके टेंथ के मार्क्स, स्कूल के मार्क्स आपको बता के ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो फील्ड तेरे लिए नहीं है. वो बताने की कोशिश करेंगे कि तेरी पर्सनैलिटी सूट नहीं करती है उस फील्ड में. लेकिन एक बात मैं आपको बोलता हूं, डोंट बॉदर, ओपिनियन डजंट मैटर. यस, ओपिनियन मैटर ही नहीं करते. जब भी आप किसी भी दिन की शुरुआत करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं, एवरी सन रे ब्रिंग्स अ न्यू होप टू यू. एक नई उम्मीद की किरण आपके सामने आती है. वो कहते हैं ना, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे. आप भी अपने रोम के पीछे हैं, एक दिन में थोड़ी बनेगा. आपको एवरी डे कंसिस्टेंटली उसके ऊपर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. आप जब किसी गोल का, लक्ष्य का पीछा करते हो ना, जिद से करते हो, पैशन से करते हो, उस कन्विक्शन के साथ करते हो ना, तो आप एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है, जहाँ पे पूरी धूल है, पूरे मटेरियल्स बिखरे पड़े हैं, पूरी मिट्टी है, और न जाने कितनी वर्स्ट वो साइट आज दिख रही है. लेकिन वो, हमेशा याद रखिए, वो कंस्ट्रक्शन फेज में है. कंस्ट्रक्शन फेज में बड़ी सी बड़ी इमारत, चाहे फिर वो बुर्ज खलीफा भी हो, वो दिखने में एकदम भकासी दिखती है, एकदम उदासी दिखती है. लेकिन जब वो बन जाती है, तो यही लोग वापस आपको आके आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड माई डियर फ्रेंड्स, डोंट बॉदर विद द नेगेटिव इम्पैक्ट अराउंड यू. जितने भी लोग आपको नेगेटिव बोलने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग आपको जज करने की कोशिश करेंगे, आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हंसने की कोशिश करेंगे, डोंट बॉदर. मेरे फेवरेट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन भी यही कहते हैं कि लाइफ में जब आप किसी चीज के पीछे भागते हो, मास्टरी करने के पीछे भागते हो, तो 10,000 घंटे होते हैं. ही कॉल्स इट 10,000 आवर्स ऑफ साइलेंस. 10,000 घंटे आपको शांति से मेहनत करनी है. 10,000 घंटे आपकी कहीं पे बातें नहीं होगी. 10,000 घंटे आपको उस फील्ड का कुछ भी नहीं आएगा. डोंट वरी अबाउट द टैलेंट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक एस्पेक्ट. 10,000 घंटे लगते हैं किसी भी क्षेत्र में मास्टरी करने के लिए. अगर आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, कंटिन्यूअसली उसी चीज के ऊपर ध्यान है, कंटिन्यूअसली आप मेहनत कर रहे हो और ट्रैक कर रहे हो, तो सवाल है आपसे मेरा कि आपने 10,000 घंटों की मेहनत खत्म की है. अगर 10,000 घंटों की मेहनत खत्म नहीं की, तो पिक्चर अभी बाकी है. 10,000 घंटे जब खत्म हो जाएंगे, तो मंजिल आपकी होगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. लाइफ इज अ प्रोसेस. आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है. आपको जिद के साथ, कन्विक्शन के साथ उसी लक्ष्य का पीछा करना है. आपको चेंज नहीं करना है आपके विजन्स, आपके गोल्स. लोग तो आप पर हंसेंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बॉदर, ओपिनियन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर कन्विक्शन. फॉलो दैट कन्विक्शन, फॉलो दैट पैशन एंड अचीव योर ड्रीम्स. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. जय हिंद. We'll be right back.